आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा कॉम्पिटेटिव एज के चैनल पे। मैं हूं आपके साथ रिजवान खान और आज मैं सेकंड टाइम पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी में एक ऐसी महिला से इंटरव्यू कर रहा हूं, खुद डॉक्टरेट है, डॉक्टर बुशरा की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारा काम वुमेन्स एम्पावरमेंट पे है, शीटू शक्ति पे है। मैं लोगों को कहता हूं कि आप आज़ाद कर दीजिए महिलाओं को और देखिए कि महिला कितनी कमाल करती हैं। मेरे इंटरव्यू से पहले डॉक्टर बुशरा से बात हो रही थी तो उन्होंने बहुत खुश थी, बोले बच्चे वाकई लग रहे हैं। यकीन मानिए मैंने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं इन बच्चों को बनाने में, बहुत समय दिया है और मैं इन बच्चों के साथ हमेशा जुड़ा रहा और मैंने कहा यकीन कीजिए आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे अगर आपने अपने अंदर विश्वास को जगा दिया। आप ये तय कर लीजिए कि दुनिया में आप कुछ करना चाहते हैं। मैं हर बच्चों को कहता हूँ कि कोई बच्चा खराब नहीं होता, बच्चे बनाए जाते हैं। आज हमारे साथ चर्चा करेंगी डॉक्टर बुशरा। मैं डॉक्टर बुशरा का बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर, क्योंकि डॉक्टर बुशरा बहुत बड़ी शख्सियत है, कई ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी रही, जामिया से जुड़ी हुई, कई स्कूल्स में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। मुझे आज तक कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो ये कह सके कि डॉक्टर बुशरा की बताई हुई बातें नहीं समझ में आई। डॉक्टर बुशरा हमारी सोसाइटी के लिए एक आइकॉन होंगी, हमारे बच्चों के लिए एक इंस्पायरिंग होंगी। उन्होंने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत कीमती, मैंने मैम से एक रिक्वेस्ट किया कि मैम मैं 9 से 11 चाहता हूँ आपसे टाइम, उन्होंने मना नहीं किया। क्योंकि जब महिला अपने बच्चे के साथ होती है तो बहुत मुश्किल होता है, एक बहुत, क्योंकि मैडम के बच्चे बहुत छोटे हैं, फिर भी उन्होंने हमें बहुत कीमती वक्त, थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस। आई वांट फ्रॉम योर साइड व्हाट यू फील टुडे इन कैंपस। So first of all, I would really like to thank the police and also the Shikhar organization and also Plasma Coaching Center and Rizwan sir for giving the community and the, you know, girls of this community this opportunity that they can come out from their home and they can be a part of this police public library where they will be, I can see the difference in the girls. When I entered the class, there was no teacher but the students were sitting so silently that I really feel very happy that the girls are so disciplined and they are so, you know, they are so determined that they have to get admission in Jamia or any other very good university. They all were studying themselves. When I was teaching them, I feel that yes, they have a spark in their eyes. They want to do something for themselves. They want to do something for their society. ये सारे बच्चों को देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि यहीं की community के हैं, बिल्कुल इन बच्चों की आंखों से लग रहा है कि इन्हें कुछ करना है, इन्हें आगे बढ़ना है। जो भी मैं इन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रही थी उसको ये बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्शंस को समझ भी रहे थे और बहुत साइलेंटली डिसिप्लिन और फुल कंसंट्रेशन के साथ एक एक बच्चा पढ़ रहा था। तो इसके लिए मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगी कि आपको अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए जो एजुकेशन है, और जैसा कि आपने बार बार सुना है और हमारे इस्लाम में भी यही है कि एजुकेशन के लिए अगर आपको चीन तक जाना पड़े तो जाओ, वो इसीलिए क्योंकि एजुकेशन आपको ओवरऑल डेवलपमेंट देता है। एजुकेशन से आप सिर्फ अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, आप अपनी फैमिली को चेंज कर सकते हो और फिर एंटायर सिस्टम, एंटायर कम्युनिटी और जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं हम उसको चेंज कर सकते हैं। कोई और ऐसी चीज नहीं है, पैसा हो आपके पास, दौलत है, यू हैव प्रॉपर्टी, बट दैट कैन नॉट ब्रिंग अ चेंज इन द सोसाइटी। बट इफ अ गर्ल, व्हाट आई फील, मुझे लगता है कि लड़कों की पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है लेकिन औरतों की, लड़कियों की पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इफ अ वुमेन इज एजुकेटेड देन शी विल टीच हर एंटायर फैमिली, शी कैन ब्रिंग अ चेंज, अ रेवोल्यूशन इन द सोसाइटी। सो इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो वो स्टार्ट होती है वुमेन की, गर्ल्स की एजुकेशन से। एंड आई रियली फील थैंकफुल टू योर पेरेंट्स ऑल्सो कि वो आपको इतनी सुबह अपने घर से बाहर निकलने दे रहे हैं सो दैट यू कैन एक्चुअली एक्सेल योर स्किल्स। आप सबके अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटी है, आप सबके अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स है लेकिन उस स्किल्स को शार्पन करना है और उसके लिए रिजवान सर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और मैं इनको भी कॉन्ग्रेट्स कहना चाहूँगी कि उन्होंने इतने अच्छे बच्चे प्रिपेयर किए कि वो आगे जाकर अपनी लाइफ में ज़रूर बेहतर करेंगे। और आप सबको भी मैं ऑल द बेस्ट विश करना चाहूँगी क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं एंड डेफिनेटली आपकी जो मेहनत है इट विल ब्रिंग फ्रूटफुल रिजल्ट्स फॉर यू एंड जो कोर्स आप चाहते हो आपका उसमें एडमिशन होगा। ऑल द बेस्ट टू यू एंड अ राउंड अप्लॉड फॉर सर फॉर। देखिए मैं अक्सर कहता हूँ कि महिलाओं को आज़ाद कर दीजिए और देखिए महिलाएं क्या कमाल करती हैं। देखिए महिलाओं के बारे में मैं कह सकता हूँ क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस 10 साल का टीचिंग में रहा और एक पत्रकार के तौर पर ये कह सकता हूँ कि
कि एक महिला को पढ़ाने का सीधा मतलब है कि आप एक खानदान बना रहे हैं। और यकीन कीजिए, भरोसा कीजिए, हम सारे ट्रैक रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे हम उस जुनून के साथ, क्योंकि सुबह 9 बजे से हमारी लाइब्रेरी खुली। यही बच्चे हमारी आवाज़ होंगे, यही बच्चे हमारी ताकत होंगे, और यही बच्चे हमारे समाज को बदलेंगे। अच्छे और बुरे में जब तक बच्चों को तमीज़ नहीं आएगी, समाज नहीं बदलेगा। समाज सिर्फ एक शर्त पर बदल सकता है कि तालीम। अगर आप मुझसे कोई पूछे कि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ आप क्या कहेंगे, मैं बच्चों से यही कहूँगा, तालीम, 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 तालीम। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। देखिए, तालीम का सीधा मतलब होता है कि अगर आप अच्छी तालीम ले रहे हैं तो आपके घरों में रोज़गार आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट आ रहा है। अगर आपके घरों में एम्प्लॉयमेंट आ रहा है तो आपके घरों में पैसा आ रहा है। अगर आपके घरों में पैसा आ रहा है तो आप अच्छे से, आपका रहन सहन सब परिवर्तन होगा। तो रोज़गार तालीम से आएगा। और मैं आप सब जितने भी बच्चे, डॉक्टर बुशरा का भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने अपनी बात बहुत स्ट्रांगली लिखी। और आप देखिए इनकी बातों में कितनी दम थी, एक जुनून था, जज्बा था। शायद ये भी चाहती हैं कि हमारे कॉमेडी, क्योंकि इन्होंने कई सवाल बातों बात में रखे हैं, वो सवाल बड़े पैसे भी हैं कि माँ बाप अलाउड कर रहे हैं। ये है, मैडम हमारी एक क्रेडिबिलिटी है कि हमने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी से। यकीन मानिए, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक हमें आज के दिन में खड़ा होना पड़ रहा है। मैं बच्चों को हर तरह से मदद करने को तैयार हूँ। और ये बच्चे वाकई, जब आप आएंगे, और मुझे बड़ा खुशी हुई जब आपने बोला कि इतने डिसिप्लिन बच्चे हैं, यकीन मानिए इन बच्चे को हम जामिया तक पहुंचाएंगे, पूरी ताकत लगाएंगे, पूरी फैकल्टी होगी। और एक दिन आएगा ये बच्चे अपने सपने को लेकर आसमान में उड़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।